हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर लिखेंगे। नंबर एक, मुहावरे को वाक्य के अनुसार बदला जा सकता है। लोकोक्ति को वाक्य के अनुसार बदला नहीं जा सकता। नंबर दो, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ भिन्न होता है। इनका शाब्दिक और वास्तविक अर्थ दोनों एक समान होता है। नंबर तीन, मुहावरे का क्षेत्र सीमित होता है। लोकोक्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है। नंबर चार, मुहावरे के अंत में ना जुड़ा हुआ होता है। लोकोक्ति के अंत में ना जुड़ा होना अनिवार्य नहीं होता। नंबर पाँच, मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग से ही स्पष्ट होता है। लोकोक्तियाँ का अर्थ बिना वाक्य प्रयोग के भी समझा जा सकता है। नंबर छः, मुहावरा किसी वाक्य का केवल अंश मात्र होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। नंबर सात, मुहावरे का उपयोग भाषा को सजाने और बोलचाल को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। लोकोक्ति का उपयोग जीवन के पाठ, नीतियाँ और सामाजिक सत्य को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।